दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे अचूक नुस्खे के बारे में जिसके करने के बाद अगर किसी मेरे दोस्त के साथ दाद खाज खुजली की समस्या है या उसके चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल झुर्रियाँ या झाइयों की समस्या है वो सब की सब ठीक हो जाएगी और चेहरा आपका साफ सुथरा हो जाएगा। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको है उसे ठीक करने के लिए ये नुस्खा रामबाण नुस्खा है। और दोस्तों, इस नुस्खे के करने से आपका लीवर डिटॉक्स होता है, जितने भी विषैले पदार्थ आपके शरीर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं वो निकल नहीं पा रहे, जिस कारण से आपके चेहरे पर हाथ पैरों पर कहीं कहीं पर दाद खाज खुजली हो गई है, निशान हो गए हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। आपने दुनिया भर के पेस्टों का इस्तेमाल कर लिया है, उन पेस्टों के लगाने के बाद कुछ दिन तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा बड़े पैमाने पर दाद खाज खुजली और निशान दोबारा से आ जाते हैं। तो आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे अचूक नुस्खे के बारे में जिसके करने के बाद आपकी ये सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और दाद खाज खुजली की समस्या सबसे पहले ठीक हो जाएगी इस नुस्खे के करने के बाद। ये नुस्खा आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा। अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन है, आपका लीवर बिल्कुल साफ सुथरा है, जितना भी टॉक्सिक आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया है अगर वो सारा का सारा टॉक्सिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो दाद खाज खुजली या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए आधे नींबू का रस, दूसरा आपको चाहिए कच्ची हल्दी जो हल्की केसरी रंग की होती है, इसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए तुलसी के पत्ते 2 से 4, और दोस्तों आपको लास्ट में चाहिए दालचीनी जो 2 से 4 ग्राम काफी है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। मात्र 5 से 10 रुपए की दालचीनी आप लेकर आ जाएं, उतनी काफी है। आपको ये नुस्खा रेगुलर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 गिलास पानी। उस 1 गिलास पानी को आप किसी बर्तन के अंदर डाल दें। दोस्तों, 1 गिलास पानी डालने के बाद आपको 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के छोटे वाले वो भी पानी के अंदर डालने हैं। इसके बाद 2 से 3 पत्ते तुलसी के वो भी आप पानी के अंदर डाल दें। लास्ट में आपको डालनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी का आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। और दोस्तों, आपको लास्ट में चाहिए कच्ची हल्दी के छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े। ये मात्र 3 से 5 ग्राम है, आपको इतनी ही हल्दी लेनी है। और दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल हमें इस नुस्खे के बनने के बाद इस्तेमाल करना है। अब इस नुस्खे को गैस पर बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है हमें। जब ये 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए तब गैस बंद करनी है। जब पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाए, बिल्कुल भी गर्म ना रहे, तब आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। अब मैं इस नुस्खे को गैस पर जल्दी से गर्म कर ला रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ इस नुस्खे का रंग कैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। मैंने इस पानी को और इस नुस्खे को खूब अच्छे से उबाला है। जब 1 गिलास पानी था वो आधा गिलास रह गया, फिर मैंने गैस बंद की है। जब ये पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है उसके बाद मैं आपके सामने ये पानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो आपको 1 गिलास पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीने के 20 मिनट बाद आपको ये वाला पानी पीना है जो ये काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आपको ये काढ़ा पीना है। इस काढ़े के पीने के 1 घंटे बाद जो भी मन आपका करे वो आप खा पी सकते हो। इस नुस्खे के करने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है 1 घंटे तक। दिन में सुबह 1 बार आपको ये नुस्खा करना है। आप रेगुलर 20 से 25 दिन इस नुस्खे को करोगे, आपकी स्किन की, हेयर की, आपके पेट की कोई भी समस्या है वो सब की सब ठीक हो जाएगी। जितना भी टॉक्सिक आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया वो सब का सब बाहर निकल जाएगा इस नुस्खे के एकमात्र करने से। दोस्तों, जो हल्दी मैंने इसके अंदर मिलाई है वो हल्दी कच्ची हल्दी है। तो कच्ची हल्दी के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कूट कूट कर भरे हैं। ये कैंसर तक को ठीक कर देती है। डिटॉक्स करना तो छोटी मोटी बात है। और दोस्तों, आपको लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ, दोस्तों आपको दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। बाहर का चटपटा तला तीखा खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना। जितना सादा खाना आप खाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। और आप खाना खाने के बाद पानी ना पिए। इस नुस्खे को आप रेगुलर करेंगे, आपके साथ दाद खुजली की समस्या कितनी भी पुरानी हो, आप कितने भी परेशान हो चुके हो, इस नुस्खे के रेगुलर करने से आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जब ये नुस्खा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद आपको इसके अंदर नींबू का रस मिलाना है, वो भी आधा नींबू का।
आधे नींबू का रस आप इसके अंदर मिला दें। मिलाने के बाद चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिला दें, फिर आपको इस नुस्खे का सेवन करना है। आधे नींबू का रस या एक चम्मच रस नींबू का काफी है। और अगर आपके चेहरे पर पिंपल, दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसियां हैं, वो भी इस नुस्खे के एकमात्र करने से ठीक हो जाएगी। ब्लड के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब की सब साफ हो जाएंगी इस नुस्खे के करने के बाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, साथ के साथ सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।